सो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ फिर से एक नए ट्रेंडिंग डीजे व्हाट्सएप स्टेटस के साथ। जो फ्रेंड्स आप सब ने उसका वीडियो स्टार्टिंग में देख लिए, अगर फ्रेंड्स आप लोग भी जो है कुछ इसी तरह का डीजे व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो अपने फोटो से या किसी और के फोटो के साथ बनाना चाहते थे फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को पूरे लास्ट तक अगर देख लेते तो फ्रेंड्स आप लोग भी कुछ इसी तरह का बहुत ही सिंपल से बहुत ही आसानी से बना पाइएगा। अगर फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को स्किप कर देते फ्रेंड्स आप सभी को समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स चलें ऐसे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, जिस इस महीने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके कल पर भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलें यहाँ से वीडियो का स्टार्ट कर लेते हैं और चलते हैं अपने कैनवा चेक एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को एंड तक लास्ट तक देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलें यहाँ से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और चलते हैं अपने कैन मास्टर के एप्लीकेशन में। सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम अपने कैन मास्टर एप्लीकेशन में आ गए। तो यहाँ से फ्रेंड्स आप सभी को स्क्रीन नेम वाले पे क्लिक करके 9:16 का रोशन लेके नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट कर देने के बाद आप सभी को सबसे पहले इस मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ से फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हैं इमेज वाले ऑप्शन, इस इमेज वाले ऑप्शन पर चले जाना है और यहाँ से फ्रेंड्स आप सभी को ब्लैक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। ब्लैक बैकग्राउंड ऐड कर देने के बाद आप सभी को इसका ड्यूरेशन आप लोग कुछ इस तरह से 15 से 20 सेकेंड या आप लोग जितना सेकेंड का रखना चाहते हैं उतना सेकेंड का आप लोग रख लीजिएगा। ठीक है, रख देने के बाद आप लोगों को डन करना है। डन कर देने के बाद आप सभी को अपने वीडियो के स्टार्टिंग तरफ आ जाना है। आ जाने के बाद लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक कर देना है। मीडिया पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ से फ्रेंड्स आप सभी को एक टेम्पलेट वीडियो को यानी कि ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो को ऐड कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से उस ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो को ऐड कर लेते हैं। इसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐड कर देने के बाद बॉक्स पे क्लिक करके फुल स्क्रीन में कर देना है, इस तरीके से डन कर देना है। ठीक है, डन कर देने के बाद अब आप सभी को करना क्या होगा, सिंपल सा कुछ इस तरीके से आप लोगों को जो है आगे वीडियो के स्टार्टिंग तरफ आ जाना है। लेयर पर क्लिक कर देना है, मीडिया पर क्लिक कर देना है और यहाँ से फ्रेंड्स आप सभी को जिस इमेज से फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग जो है अपनी इमेज को ऐड कर लीजिएगा या आप लोग जिसके इमेज से बनाना चाहते हैं आप लोग उसका इमेज जो है यहाँ से ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलें यहाँ से हम जो है उस इमेज को ऐड कर लेते हैं। आप लोग भी जो है जिस इमेज से बनाना चाहते हैं आप लोग भी ऐड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इमेज ऐड कर देने के बाद आप लोगों को इस बॉक्स पर क्लिक करके फुल स्क्रीन में कर देना है। कर देने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 3 डॉट का ऑप्शन, इस 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ से सेंड टू बैक में कर देना है। सेंड टू बैक में कर देने के बाद आप सभी को इस तरीके से डन करना है। डन कर देने के बाद आप सभी फोटो का ड्यूरेशन इस तरीके से इस वीडियो के एंड तक यानी कि लास्ट तक जो है कर देना है। कर देने के बाद आप सभी को जो है ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं क्रोमा की का ऑप्शन, इस क्रोमा की वाले पर क्लिक करके यहाँ से की कलर को जो है आप लोग यहाँ जो है हरा सॉरी यहाँ पर देख सकते जो है ब्लू कलर जो है इसको सिलेक्ट करके यहाँ से डन करके यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। ठीक है, इनेबल कर देने के बाद अब आप सभी को थोड़ा सा जो है इसको एडजस्ट करना है बस। ठीक है, इस तरीके से एडजस्ट करके यहाँ से डन कर देना है। डन कर देने के बाद फ्रेंड्स आप सभी को जो है सबसे पहले इस वीडियो को इस तरीके से यहाँ से सेव आने की एक्सपोर्ट जो है कर लेना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ से हमारा जो है वीडियो एक्सपोर्टिंग आने की सेव हो रहा है। तब तक फ्रेंड्स आप सभी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया यार, तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को लाइक करते हो तो फ्रेंड्स हमारे जो हमें जो है वीडियो बनाने का जो है मन करता है। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो यार फ्रेंड्स हमें जो वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता। तो इसीलिए फ्रेंड्स आप सभी से बोला हो कि तब तक जो है वीडियो एक्सपोर्टिंग आने की सेव हो रहा है तब तक जो है आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही जिस भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके अल्प भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्रेंड्स मैं जो है इसी तरह के वीडियो जब भी कोई डालूं तो फ्रेंड्स उस वीडियोस को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के बीच पहुंचेगी। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहां से हमारा वीडियो एक्सपोर्टिंग यानी कि सेव होने ही वाला है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग यहां पर कुछ ही टाइम मिनट में यानी कि हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ से हमारा वीडियो एक्सपोर्टिंग यानी कि सेव हो चुका है। हो जाने के बाद आप लोग इस कॉटिश वाले पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आप लोग इस तरीके से बैक आ जाना है। आ जाने के बाद फिर से आप सभी को स्क्रीन पर क्लिक करके 9:16 का रोशन लेकर नेक्स्ट कर देना है। ओके, नेक्स्ट कर देने के बाद अब आप सभी को सिंपली से जो है करना क्या होगा, फिर से मीडिया पर क्लिक करना है। फिर से आप सभी को यहाँ से एक ब्लैक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना होगा। ठीक है, इसका ड्यूरेशन कुछ इस तरीके से आप लोगों को जितना सेकंड का स्टेटस बनाना है उतना सेकंड तक आप लोग रख लीजिएगा। रख लेने के बाद आप सभी को जो है स्टार्टिंग में आ जाना है। आ जाने के बाद लेयर पर क्लिक कर देना है, मीडिया पर क्लिक कर देना और यहाँ से फ्रेंड्स अभी जो आप सभी ने जिस वीडियो को एक्सपोर्ट आने सेव किया था उस वीडियो को यहाँ से ऐड कर लेना है। ठीक है, ऐड कर देने के बाद बॉक्स पर क्लिक करके फुल स्क्रीन में करके इस तरीके से डन करना है। ठीक है, डन कर देने के बाद अब आप सभी को करना क्या होगा, सिंपली से कुछ इस तरीके से जो है आप लोगों को यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन। ठीक है, तो आप सभी को इसको रिमूव करना था, उसके लिए आप सभी को इस वीडियो पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं क्रोमा की वाले ऑप्शन, इस क्रोमा की वाले पर क्लिक करके की कलर में जाकर के आप लोग यहाँ से ग्रीन स्क्रीन सेलेक्ट करके डन करना है। ठीक है, डन कर देने के बाद इसको थोड़ा सा इस तरीके से इनेबल कर देना है। ठीक है, इनेबल कर देने के बाद थोड़ा सा जो है आप लोगों को इस तरीके से जो है एडजस्ट जो है आप लोगों को कर लेना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर मैं जो है जिस तरीके से एडजस्ट कर रहा हूँ आप सभी को भी कुछ उसी तरीके से जो है एडजस्ट कर लेना होगा। ठीक है,
तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ से जो है रिमूव हो चुका है। हो जाने के बाद आप सबको इस तरीके से डन कर देना, ठीक है। डन कर देने के बाद आप सबको वीडियो को स्टार्टिंग तरफ आ जाना है। आ जाने के बाद लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक कर देना है और यहाँ से फ्रेंड्स आप सभी को एक और इमेज को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स चले यहाँ से हम जो है एक और इमेज को ऐड कर लेते हैं। आप लोग भी जिस इमेज से बनाना चाहते हैं आप सभी भी जो है उस इमेज को यहाँ से ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स चले यहाँ से हम जो है उस इमेज को ऐड कर ले रहे हैं। आप सभी को भी कुछ उसी तरीके से ऐड कर लेना होगा। ऐड कर देने के बाद बॉक्स पर क्लिक करके फुल स्क्रीन में कर देना है। कर देने के बाद आप सभी को इस थ्री डॉट पर क्लिक करके सेंड टू बैक माने के कर देना है। कर देने के बाद इसका फोटो का रोशन कुछ लास्ट तक कर देना है, ठीक है। कर देने के बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद आप सभी को लेयर पर क्लिक करना है। स्टार्टिंग में आके मीडिया पर क्लिक कर देना है। मीडिया पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ से एक टेम्पलेट वीडियो को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से हम जो उस टेम्पलेट वीडियो को ऐड कर लेते हैं। इसका लिंक भी आप सभी को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐड कर देने के बाद सबसे पहले ऑडियो पे क्लिक करके यहाँ से फ्रेंड्स आप लोगों को ऑडियो को म्यूट कर देना है। इस तरीके से बैक आना है। आ जाने के बाद नीचे देख सकते हैं ब्लेंडिंग वाला जाकर ब्लेंडिंग में जाकर इसको स्क्रीन कर देना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से जाकर के आप लोगों को स्क्रीन में कर देना है। आप लोगों को फिर से बैक आ जाना है। आ जाने के बाद बॉक्स पर क्लिक करके फुल स्क्रीन में करके डन करना है, ठीक है। डन कर देने के बाद फिर से लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक कर देना है। मीडिया पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ से फ्रेंड्स सबको एक और टेम्पलेट वीडियो को एड कर लेना है, जो कि फ्रेंड्स वो जो है काफी जो है कलरफुल टेम्पलेट वीडियो है, ओके। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ से हम जो काफी जो है कलरफुल टेम्पलेट वाली वीडियो उसको हम यहाँ से ऐड कर ले रहे हैं। आप सभी को भी ऐड कर लेना है। इसका भी लिंक आप सभी को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐड कर देने के बाद बॉक्स पर क्लिक करके फुल स्क्रीन में कर देना है। आप लोगों को इस तरीके से बैक आना, नीचे देख सकते हैं ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन, ब्लेंडिंग में जाकर इसको भी स्क्रीन करके इस तरीके से डन कर देना, ठीक है। डन कर देने के बाद फ्रेंड्स वीडियो बनकर रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए आप लोगों को एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो अमेजिंग का लग रहा है, कमाल का लग रहा है। फ्रेंड्स होप करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही जिस चीज़ मैंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को सेव करने के लिए आप सभी को इस एरो वाले पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ से फ्रेंड्स आप सभी अपने मनपसंद ऑप्शन में सेव कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही, फिर मिलते अगले कोई इसी तरह के नए कमाल की वीडियो एडिटिंग के साथ।